अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं यहाँ की प्रचंग सभा और उनको मान मर्यादा का पालन करते हुए ये शपथ लेता हूँ कि ढकल अपना भाई शूज नहीं पहना था तो देखो छटके बैठे उसको दो चार। आप ये गलती मत करो ये गलती मत करो क्या ओए भाई तेरा शूज कहाँ पर है तेरा शूज। सो गाइस आपको ये लग रहा होगा कि हम सारे बीचेस क्यों घूम रहे हैं। यहाँ पे गोवा में एक ऐसी बात है कि यहाँ पे हर एक बीच की वाइब उसके आप अपने आप में ही अलग एक वाइब होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे बीच की लाइन की तरफ जो कोकोनट ट्रीज आप सारे सब देख सकते हैं। तो ये बीच की जो वाइब है ये काफ़ी अलग है। जो कल हमने बीच ट्रैवल किए थे उससे बहुत ही अलग। जो वार का बीच था वो वाइट सैंड वाला बीच था। वहाँ पे मतलब डेजर्टेड एरिया था पूरा। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ट्रीज और व्यू भी थोड़ा डिफरेंट सा है। ओह डैम इट, लुक एट द ब्यूटी। ये देख के प्यार नहीं होगा तो क्या होगा क्या। तो गाइस चलो ये लास्ट पार्ट थोड़ा बीच का एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे खेकड़े घूमते हुए आप देख सकते हैं इन खेकड़ों को। ए खेकड़ो तो ये देखो बहुत सारे खेकड़े। तो गाइस ये है कुछ लास्ट व्यूज, आप भी एंजॉय कर लीजिए देख लीजिए। इसके बाद हम निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो गाइस अभी हमने पालोलेम बीच छोड़ दिया है, नाउ वी आर हेडिंग टू आगोंडा बीच। तो वहाँ पे जाके वहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो लेट्स गो। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. हम पहुंच गए गाइस आगोंडा बीच पर। तो अभी हमने बाइक पार्क कर दिए। अभी हमने बाइक पार्क अरे यार अभी हमने बाइक पार्क कर दिए एंड नाउ वी आर हेडिंग टू आगोंडा बीच। यहाँ पे कोई नहीं, ऑलमोस्ट प्राइवेट बीच सा लग रहा है यहाँ पे। एंड आई थिंक देर आर सम फॉरेनर्स एंड ऑसम व्यू। ओहो यहाँ पे कोई एक्टिविटी हम करने नहीं वाले, यहाँ पे बस बीच को देखने आए हैं। जो इस बीच के व्यू को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे और इसके बाद वी विल बी हेडिंग टू काबो दरामा। सो वेलकम गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो बस आज का प्लान यही होगा, काबो दरामा बीच विजिट करेंगे और वहाँ के विजिट होने के बाद अगर थोड़ा टाइम हमारे पास स्पेयर बचता है तो हम बेटल बाटिम बीच भी जाने की सोच रहे हैं। जैसे अभी देखा था हम विजिट करने गए थे पालोलेम बीच, तो वहाँ की वाइब कुछ और ही थी। वहाँ पे सीनिक व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा थे। ये एक शांत काम सा बीच है। उसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज रात को हम मडगांव की मार्केट भी घूमने जाए, थोड़ा सा इस मडगांव के कल्चर को भी एक्सप्लोर करें। तो देखते हैं कैसा जितना हमारे पास टाइम होगा हम कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो उसके हिसाब से आज हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे व्यू कुछ ऐसा है गाइज, ये है आगोंडा बीच, ये है सामने बीच हट। शायद कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बहुत ही खाली खाली सा बीच है। नो टूरिस्ट और वेरी लेस टूरिस्ट, सो बहुत ही एकदम प्राइवेट बीच वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। सो अभी मैं उस पॉइंट को एक्सप्लोर करने जाऊँगा जहाँ पे थोड़े से व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आएंगे और वहाँ पे जाके थोड़े से फ़ोटो क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको सब कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस बताऊँगा। सो लेट्स हेड देयर। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.
push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. तो यहाँ पर गाइस ये है थोड़े से बीच शैक्स, बीच फेसिंग। तो यहाँ का मैंने रेंट जाके पूछा नहीं, पर मैक्सिमम टिपिकली इस सीज़न में यहाँ पे इनकी कॉस्ट लगभग 5,000 रुपये पर डे ये मुझे बता रहे थे। सेम प्राइजेस पालोलेम बीच पर भी थे। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है इस बीच पर। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा इस बीच को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, जस्ट टेकिंग अ वॉक अलॉन्ग द बीच लाइन। यस, तो देखते हैं कैसा लगता है। आगे जाके थोड़ी सी मैं रेस्ट करूँगा। और ये जो मेरे साथ आ रहे हैं भाई साहब, हेमंत जगदंड जी, तो ये आई एम नॉट भाई साहब, आई एम आप मुझे ही तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद प्रतीक। सो यू गाइज कीप फॉलो, कीप सब्सक्राइब प्रतीक, बिकॉज ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन इन द वर्ल्ड। I am so नहीं क्या बाजले। यहाँ पे हेमंत जी अटक गए हैं, वो बोलना भूल गए। तो क्या बोला था, विसरू गेला सर। तो माया शोध मराठी में जस्ट कंफर्टेबल है। सो आई एम हियर फाइनली एक्सपीरियंसिंग माई सोलो ट्रिप एंड आई मेड इट गाइस। ओ गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने ब्लू वाटर लगून। तो देखते हैं यार, ये बीच उसी के लिए स्पेशल है, ब्लू वाटर लगून के लिए। तो देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा होता है एंड आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस विद दैट। तो तब तक आप ये एंजॉय कीजिए। ऑन द वे टू ब्लू वाटर लगून। लगून देखते हैं। लगून है क्या? लगून मे माकड़ वाला लगून नहीं। नहीं नहीं मतलब नाव लगून है कहते थे। हाँ अरे लगून मानता, छोटी वाटर बॉडी असते मी दिसतं का चेहरा? हाँ कटला होता। चलो 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 ये देख ये देख, खून खार जानवर उड़ते हुए, जानवर नहीं। हाय क्रैबी, हाउ आर यू क्रैबी? अंगठा सापडला गेला भाई। भाई असंच जातो मी त्याला बघूनच। दिस इज क्रॅब। फोटो लय बारीक दिसायला होते। अरे गाइस यहाँ पे भी ब्लू वॉटर लगून। तो यहाँ का भी नज़ारा, यहाँ का भी वाइब थोड़ी अलग थी। तो ये बीच एक्सप्लोर करना भी जाया नहीं गया। तो यहाँ पे गाइस बोटिंग की एक्टिविटी कर रही है यहाँ पे। तो देखते हैं ये कर पाते ऐसा करो। हम पार्ट हो पार्ट हो चलो जा रहा हूँ रे। बचाओ। बाय बाय। डरने की बात नहीं है, ठीक से। अब दूसरी तरफ जा रहा हूँ मैं। ऐसा डबल मारो, ऐसा ऐसा इधर 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 डबल मार, ऐसे जाएगा। उधर जा रहा मैं। हाँ जाओ। अरे नहीं जाने का मेरे को। ये मैं पढ़ रहा था। डरो मत डरो मत। घुमाओ कैसे? ऐसा 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 कर। इकड़ों फिर लगे इकड़े। हाँ अरे अस फिर अस मारना इकड़े। डर मत डर मत। जाइए हाउस पिटली। अरे डरने की बात नहीं, उधर जा रहा हूं मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं दिखा दूंगा आपको। जोर से करने का क्या? सो गाइस हम यहाँ पे सीख रहे हैं बोटिंग, जस्ट लाइक कायाकिंग। इधर 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 कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे। वापस कैसे वड़वायची? कशी वड़वायची? अशी ती मारायची पूर्णपणे। दुसरी कडे जाऊ ना। ठीक आहे ते ले लांब गेलो, काय करतो तुम्ही? तो हमारे ये दोस्त एक और ट्राय देते हुए।
आसा नहीं कह रहा है, घुमा घुमा पानी भी घूम रहा मेरे उधर जा क्या हमारे एकदम तो गाइस मेरे यहाँ पे ऐसे कोई शौक नहीं है बोटिंग सीखने के, और ना ही मेरा मन है क्योंकि बहुत बड़े बड़े खेकड़े हैं अंदर। ये हमारे भाई ट्राई कर रहे हैं बोटिंग। ये जीरो ये जीरो बहु वीडियो करना था टाइट पोज दे लो भी का पोज है ये अरे एकदम क्लियर है तो तू मैं बचपन से मछुआरा था हमारे मछुआरे भाई हमारे एक नए दोस्त को अंदर ढकेलते हुए पान दूरी आ रहा हूँ अंदर अंदर आती है तो चलता तो करके अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं यहाँ की प्रचंग सभा और उनको मान मर्यादा का पालन करते हुए ये शपथ लेता हूँ कि ढकल सो गाइस इस बीच को हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था, अभी हम निकल रहे हैं काबुदारामा के लिए। और इस बीच के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली है कि ये बीच बहुत सारे सेलिब्रिटीज प्रेफर करते हैं, और गोलमाल की शूटिंग भी इसी बीच पे हुई थी, ये मुझे यहाँ के लोकल लोगों से पता चला। तो सेइंग फाइनल बाय टू दिस बीच एंड आई विल सी यू बैक इन काबो दारामा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए काबो दारामा व्यू पॉइंट पर। सो लाइट भी बहुत अच्छे से आ रही है, मैं चमक रहा हूँ ऑयल स्किन की वजह से। सो स्पीचलेस इज व्हाट आई मीन्ट। So guys, this is Cabo de Rama sunset point. So, guys, अभी जो आपने देखा तो ये था Cabo de Rama व्यू पॉइंट। यहाँ पे थोड़ी सी फोटो क्लिक करूँगा, थोड़ी एक्टिविटीज़ तो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। तो यहीं पे हम सनसेट का मज़ा आज लेने वाले, और सनसेट भी आप देखोगे। Stay tuned. So guys, here we are, the most awaited point. Kotare Cabo Dharama pe. तो मेरे सामने हो रहा है सनसेट, आप भी देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो थोड़ा मैं भी फोटो बॉम्ब करके पिक्चर में आ ही जाता हूँ। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.
सो जाते जाते लास्ट कुछ चंद पल सनसेट के वो हम एंजॉय कर लेते हैं। सो गाइस यहीं पे होता है आज का दिन ख़त्म। हमने तीनों पॉइंट विजिट किए और सबसे बेस्ट पॉइंट था ये लास्ट वाला पॉइंट। तो आज का डे टू इन साउथ गोवा होता है ख़त्म। तो मिलता हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड सी यू बैक विथ अनदर वीडियो। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally